फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ITEP के बारे में, ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों आपके लिए आगे ज़रूरी है। चैनल से नए जुड़े हैं तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो BEd की जगह शुरू हुआ ITEP नया कोर्स। अब टीचर बनने के लिए ITEP कोर्स ज़रूरी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE की ओर से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। ये NEP 2020 के अंतर्गत शुरू किया गया प्रोग्राम है। यह कोर्स 12वीं के बाद में होगा। अब पुराने BEd कोर्स को बंद कर दिया गया है, ठीक है। NCTE की तरफ से नया कोर्स शुरू कर दिया गया है। इस कोर्स का नाम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी एब्रीवेशन है ITEP, ठीक है, जो कि BEd की जगह शुरू किया गया है। यह 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसमें स्टूडेंट्स 12वीं के बाद में अपना प्रवेश ले सकेंगे, ठीक है। इसी में आपका ग्रेजुएशन भी कवर होगा और आपका टीचिंग कोर्स भी कवर होगा, इसलिए ये 4 साल का है जो कि आप 12वीं के बाद कर पाएंगे, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर बन सकेंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार प्राइमरी टीचर शिक्षक बनना चाहते हैं, वह इस 4 वर्षीय प्रोग्राम को कर सकते हैं। यह कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किया जाएगा। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE की ओर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ITEP कोर्स डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ITI कोर्स BEd की जगह शुरू किया गया है, जो कि 12वीं के बाद में होता था। अभी तक पहले ग्रेजुएशन करते थे, फिर उसके बाद 2 वर्षीय BEd आप करते थे, लेकिन अब नए ITEP कोर्स के अनुसार 4 साल का ये कोर्स होगा, जिसमें 12वीं के बाद प्रवेश ले सकेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा BA BEd और BSc BEd भी मान्य नहीं होगा, उसकी जगह आपको ये नया कोर्स करना होगा। तो प्रवेश किस प्रकार से होगा देखेंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए साल में प्रत्येक वर्ष एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन होगा, यानी कि सालाना वार्षिक तौर पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किए जाएंगे और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर स्टूडेंट्स ITEP BEd कोर्स कर सकेंगे। तो वर्ष 2030 के बाद यह अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि इसे अगले सेशन से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वर्ष 2030 के बाद में प्राइमरी टीचर बनने के लिए BEd मान्य नहीं होगा, ठीक है। 2030 के बाद की बात हो रही है, उसकी जगह आपको ITEP कोर्स यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को करना होगा। तो ये थी आज की अपडेट हमारे BEd करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। और एक और यहाँ पर अपडेट मैं देती चलूँ, अगर आप BEd कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल है BEd टॉपर नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी BEd से रिलेटेड, ठीक है। और इसी तरह की टीचिंग अपडेट और बाकी चीज़ों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।